नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। हम इस वीडियो में जानेंगे प्राय परजीवी यानी इक्टोपैरासाइट के बारे में और अंतः परजीवी यानी इंडोपैरासाइट के बारे में, बिल्कुल आसान शब्दों में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष 2023 की शुभकामनाएं। दोस्तों, 2023 में आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों। मैं कामना करता हूं कि यह साल आप सभी के लिए खुशहाली, स्वास्थ्य और समृद्धि लेके आए। दोस्तों, इंडोपैरासाइट और इक्टोपैरासाइट को समझने से पहले आपको परजीवी यानी पैरासाइट को समझना होगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए पैरासाइट को यानी परजीवी को। परजीवी यानी पैरासाइट, मोटा मोटा समझ लीजिए, परजीवी जीव वो जीव होते हैं जो अपने भरण पोषण एवं सुरक्षा के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। ये जीव दूसरे जीवों के रक्त एवं मांस से अपना पेट भरते हैं और उन्हीं जीवों के शरीर पर अंडे देते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। परजीवी यानी पैरासाइट कहलाते हैं। आसान भाषा में बस इतना ही समझिए, ऐसे जीव जो किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं परजीवी कहलाते हैं। सामान्यतः परजीवी दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक बाह्य परजीवी, नंबर दो अंतः परजीवी। सबसे पहले समझिए बाह्य परजीवी को, जिसे अंग्रेजी में इक्टोपैरासाइट कहते हैं। बाह्य परजीवी जीव वो जीव होते हैं जो जीव के शरीर पर अस्थाई या स्थाई रूप से रहते हैं। बाह्य परजीवी यानी इक्टोपैरासाइट कहलाते हैं, जैसे जू, खटमल, पिस्सू इत्यादि। नंबर दो पे है अंतः परजीवी, जिसे अंग्रेजी में इंडोपैरासाइट कहते हैं। तो आप समझ लीजिए, अंतः परजीवी वह जीव हैं जो किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर रहता है और उसी से पोषक तत्व प्राप्त करता है। अंतः परजीवी यानी इंडोपैरासाइट कहलाता है, जैसे प्रोटोजोआ, कृमि, कृमि को अंग्रेजी में हेलमिंथ्स कहते हैं इत्यादि। सबसे पहले समझिए प्रोटोजोआ को। परजीवी प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये परजीवी दूषित भोजन और पानी, व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क और कीड़े के काटने से फैल सकते हैं। कीड़े यानी मक्खी, मच्छर इत्यादि। अगर बात करें परजीवी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग की, तो मैं सबसे पहले नाम लूँगा मलेरिया का, जो प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। पेचिस या अमीबियासिस रोग, यह एंट अमीबा हिस्टोलेट का परजीवी प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। कालाजार या ब्लैक फीवर, यह रोग प्रोटोजोआ परजीवी लीशमेनिया डोनोवानी के कारण होता है। अब समझिए अंतः परजीवी यानी इंडोपैरासाइट में नंबर दो पे कृमि को, जिसे अंग्रेजी में हेलमिंथ्स या बॉर्म कहते हैं। कृमि बहुकोशिकीय बड़े माइक्रो परजीवी हैं। इन्हें जो है पेट का कीड़ा भी कहते हैं। यह व्यक्ति के पाचन नाल में पाया जाता है। ये परजीवी मानव शरीर में मल्टीप्लाई यानी डिवाइड नहीं हो पाते हैं और मल के जरिए बाहर निकल जाते हैं। इनमें हुक वॉर्म और एस्केरिस, लंबी क्वाइस इत्यादि परजीवी शामिल हैं।